हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिकेत आप सबका इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। आईडीबीआई ने जो है एग्जीक्यूटिव का जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर का जो है हैंडआउट रिलीज किया है। हैंडआउट में उन्होंने कुछ मेजर चेंजेस किए एग्जाम पैटर्न में। एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस किए हैं उसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने आया हूं। उसके बाद हैंडआउट में जो चेंजेस आए, काफी सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, काफी सारे बच्चों के मेल्स आ रहे थे हमें, तो उसके ही रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने आया हूं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जो चेंजेस किए हैं ऐसे कोई मेजर चेंजेस नहीं किए हैं, बस एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का जो सीक्वेंस है, जो उन्होंने सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस रखा है, सीक्वेंस थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। तो सीक्वेंस क्या चेंजेस हैं, कैसे फिर उसमें क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी है, मैं उसके बारे में आपको बताने के लिए आया हूं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सहायता के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो अब मैं बताता हूं कि इसमें क्या चेंजेस है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम होना है, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्जाम जो है 16 मई को आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्जाम है और 17 मई को जो है आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम होना है। इन्होंने अभी आज ही जो है आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का जो है हैंडआउट रिलीज किया, उसमें जो है उन्होंने बताया कि जो एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। पहले जो उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया था उसमें जो है इन्होंने एग्जाम पैटर्न कुछ और दिया था। वो एग्जाम पैटर्न क्या था मैं आपको वो बताता हूं। तो उन्होंने जो एग्जाम पैटर्न पहले दिया था, अब ये देखिए हमारे पास जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमारे पास ये है। तो इन्होंने जो है पैटर्न जो पहले दिया था, जो कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में जो रिलीज किया था, वो ये था कि पहले आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एक साथ था, जिसमें कि 60 क्वेश्चन थे और 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने थे। इंग्लिश लैंग्वेज अलग से था, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के थे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड इन्होंने अलग से रखा था, इसमें 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के थे। मतलब डीआई को अलग रीजनिंग के साथ कर दिया था और एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड नाम के अलग सेक्शन को जो है इन्होंने 40 मार्क्स का एक अलग से रखा था। फिर उसके बाद जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन थे और ये 60 मार्क्स का होना था। टोटल जो है 2 आवर्स था। अब इन्होंने क्या चेंजेस किया, इन्होंने जो है चेंजेस किया कि जो है लॉजिकल रीजनिंग अलग से इन्होंने रखा, डीआई यहां से हटा दिया। यहां पे आपको 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स हैं, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं, 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो था, जो उन्होंने पहले रखा था, उसको हटा के इन्होंने डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन को एक अलग नीचे रखा और इसमें जो है 60 क्वेश्चन डाल दिए और 60 मार्क्स डाल दिया। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस में 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स है और टोटल जो है टाइमिंग वही 2 आवर्स है। तो मतलब इसमें चेंजेस क्या है, जो लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, यहाँ पे जो डीआई था, डीआई इन्होंने हटा के डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का एक अलग ही सेक्शन बना दिया, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के, ये 60 मार्क्स जो है टोटल इसका रहना है। तो ये मेजर चेंजेस थे जो कि आपको जानना जरूरी था, क्योंकि जो 17 मई को एग्जाम इसका होना है और इसका एडमिट कार्ड में भी आज शाम को या फिर कल तक जो है इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपका सेंटर कहां पे है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने जो है एक सिक्वेंस में चेंजेस किए हैं, इन्होंने जो अपना सिक्वेंस सब्जेक्ट का रखा है वो एक सिक्वेंस चेंज किया है। तो इसी रिगार्डिंग जो हमारे बच्चे हैं, हमारे 247 के बच्चे हैं और हम उनके साथ हैं हमेशा। तो बच्चों जो है डेटा एनालिसिस पहले इन्होंने लॉजिक रीजनिंग के साथ में रखा था। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉजिकल रीजनिंग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जो है लॉजिकल रीजनिंग ही पूछा जाएगा, मतलब एनालिटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, नहीं। इन्होंने अपने हैंडआउट में जो एक सैंपल दिया है, सैंपल में भी ये क्लियर किया है कि उसमें जो है उन्होंने सैंपल में पजल्स के क्वेश्चन डाले, मतलब रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग आपसे इसमें पूछी जाएगी। 40 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसमें आपके हर तरह के क्वेश्चन होंगे, सिलॉग्स होगा, कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटीज पजल्स होंगे, सेटिंग अरेंजमेंट्स होगा और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे। तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथ में अब इसमें डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है, इन्होंने हैंडआउट में जो डाला है, इन्होंने हैंडआउट में अपने सिर्फ डीआई के क्वेश्चंस डाले हैं और जैसे कि हम एसबीआई के एग्जाम्स में पहले भी देख चुके हैं कि जहां पे डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एक सेक्शन रहता था और उसमें सिर्फ डीआई पूछा जाता था, तो आपको इस सेक्शन में डीआई पूछने वाले हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का आने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग बच्चों हम अपने बैंकर्स अड्डा वेबसाइट पे, अपने बैंकर्स अड्डा ब्लॉग पे जो है आपके लिए फ्री पीडीएफ जो है हम रिलीज करने वाले हैं और ये कल ही रिलीज हो जाएगा और साथ में ये सारे बच्चों के लिए फ्री अवेलेबल है डीआई के प्रैक्टिस के लिए।
क्योंकि डीआई आपका मेजर मार्क्स 60 मार्क्स का आने वाला है, तो डीआई का जो है फ्री पीडीएफ हम bankersadda.com पे रिलीज करने वाले हैं। तो bankersadda.com पे आप जाएंगे, वहां से जो है आपको ये फ्री पीडीएफ जो है कल ही हम रिलीज करेंगे, और कल ही जो है आपको ये फ्री, आपको फ्री पीडीएफ जो है प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। और हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का उन्होंने टेस्ट सीरीज भी ले रखा होगा, तो उनके लिए भी मैं एक चीज बता दूं, उनके लिए भी जो है हम तीन प्रैक्टिस सेट्स जो है डीआई के हम उनके अकाउंट्स में ऐड कर देंगे उनके फ्री प्रैक्टिस के लिए। इनका कोई भी चार्जेस नहीं होगा। जितने लोगों ने भी जो है ये हमारी टेस्ट सीरीज असिस्टेंट मैनेजर की ली होगी, उनके लिए हम जो है ये तीन प्रैक्टिस सेट्स डीआई के लिए जो उनको उनके प्रैक्टिस के लिए जो है हम उनके अकाउंट्स में डाल देंगे। तो बच्चों घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, जो भी पैटर्न चेंजेस हुए मैंने आपको बता दिया, और उसके प्रैक्टिस के लिए डीआई के प्रैक्टिस के लिए हम bankersadda पे फ्री पीडीएफ भी डालने वाले हैं। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली होगी उसके लिए जो है हम फ्री तीन प्रैक्टिस सेट्स भी डालने वाले हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे इस वीडियो में देना था। इनकेस आपको कोई भी और भी क्वेरी हो, कुछ जानना हो कि भाई सर आईडीबीआई में और क्या चेंजेस हो गए, या फिर क्या और भी कुछ आपको जानना हो, तो ये मेरी मेल आईडी है aniket.kumar@adda247.com। तो ये मेरी मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, जो भी क्वेरी होगी मैं आपके इस क्वेरी का आंसर करूंगा। तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, आप 10 दिन बचे हुए आपके एग्जाम के, अच्छे से प्रैक्टिस करें और एग्जाम को अच्छे से एग्जाम दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।